बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माय यूट्यूब फैमिली और तमाम मेरे सब्सक्राइबर? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये मैंने 2 कप पानी लिया है और ये मैंने 2 कप चने, ये मेरे टिन के चने हैं, बॉईल किए हुए हैं। बस 19-20 कसर होती है जिसे हम बाद में हल्का सा बॉईल कर लेते हैं। चलें जी, आज हम बताते हैं अपनी रेसिपी का नाम। शुरू में तो मैंने स्टार्ट कर लिया लेकिन ये तो मैंने बताया नहीं आज मैं बना क्या रही हूँ। आज मैं चने और आलू की चाट बना रही हूँ। तो ये देखिए आप, ये मैं किस तरह बना रही हूँ, बहुत आसान चाट है। अब ये है आलू सारे, ये बारीक कटे हुए, हमने इसको कतलियों में काटा है। ये हम डालेंगे और आलू डालने के बाद फिर हम सारे स्पाइसेस डालेंगे। ये देखिए, ये हमारे स्पाइसेस हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चें, ये देख लेते हैं यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जो है ये किसावा ज़ीरा और 1/4 टीस्पून हल्दी। अब हमने चने डाले, 2 कप पानी डाला, 2 कप ही चने हैं और हमने आलू बारीक बारीक कतलियों में काट लिए थे। 2 मेरे मीडियम आलू हैं, इनको मैंने कतलियों में काट लिया था। अब ये सारे मसाले डाल देंगे इसमें, अब इसको हम उबाल लेंगे। स्टोव ऑन करते हैं, इसको हम उबाल लेते हैं। ये जब उबल जाएंगे मिक्स कर लेते हैं हम इन्हें। ये उबल जाएंगे फिर हम इसमें डालेंगे और थोड़े मसाले। तो जब तक ये उबलते हैं फिर मैं मिलती हूँ आपसे। 1/2 टीस्पून से कम ये काला नमक डालेंगे और हाफ टी स्पून हम चाट मसाला डालेंगे। ये डाल के हिला लेंगे इसको। इसमें अभी पानी है तो मैं 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के इसको थिक कर लूंगी। फिर जब ये सब फाइनल हो जाएगा, इसका हमें टेक्सचर जिस तरह का चाहिए होगा वो हमें मिल जाएगा, फिर हम जो है इसमें इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें हम प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, इमली का पल्प आपको डालना है वो डालिए और वो डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह हमारी ये चाट तैयार होती है। अब ये देखिए, चाट में मैंने 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाल के उसको पानी में घोल के मैंने इसको डाल के 2 मिनट पका लिया। पकाने के बाद अब मैंने निकाला, अब मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर आप इस पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया सब डाल दें। ये मैंने ये डाले टमाटर, टमाटर डाल दिए मैंने। अब हरी मिर्ची मैं 1 ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे घर में हरी मिर्ची नहीं खाते ज़्यादा। ये मैंने 1 भारी हरी मिर्ची डाल दी है, थोड़ा सा ये हरा धनिया डाल दूंगी काट के। Thank you.
आलू चना चाट तैयार है। इसमें अब आप ऊपर इमली, नींबू जो चाहे, इमली का पल्प या इमली की मीठी चटनी जो चाहे आप इस पे इसमें डाल के खाएं। चटपट चाट आपकी तैयार है। ये देखिए अब आपकी ये चटपट चाट तैयार है। अब इसमें आप इमली का पल्प या नींबू डाल के खाएं, गर्मा गर्म खाएं या ठंडा करके खाएं, जो आपकी मर्जी। माशाल्लाह फर्स्ट क्लास चाट है, जल्दी बन जाती है, टाइम भी नहीं लगता। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलूंगी आपके साथ, और इस चाट का लुत्फ़ उठाइए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।